अस्सलाम वालेकुम माय यूटिब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और धमाकेदार सी वीडियो लेकर आई हूँ तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा बहुत ही खूबसूरत बैक टू बैक डिज़ाइंस हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा नहीं तो एक आद तो इनमें से ज़रूर पसंद आएगा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है फॉर्मल ड्रेसेस भी हैं सेमी फॉर्मल हैं और कैजुअल भी हैं ये देखिए पहले मैं आपके साथ उन सब की पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ डिज़ाइंस की आप देख सकते हैं ये स्लीव का डिज़ाइन ये फुल सूट का डिज़ाइन नेक स्लीव ट्राउज़र ये एक और फॉर्मल ड्रेस का डिज़ाइन है गोल्डन सा ये ब्लैक फॉर्मल ड्रेस है फ्रेंड्स ये जितने भी ड्रेसेस की आप पिक्चर्स देख रहे हैं इन सब की मैं आपके साथ जो है डिज़ाइनिंग डिटेल्स शेयर करूँगी वन बाय वन और कुछ डिज़ाइंस ऐसे भी हैं जिनकी मैं लास्ट में आपके साथ जो स्टिचिंग डिटेल है ना वो भी मैं शेयर करूँगी मतलब कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं उनकी स्टिचिंग वीडियोज भी हैं वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पहले इनकी डिज़ाइन की डिटेल शुरू आपके साथ शेयर करती हूँ तो चलिए हम अपना पहला डिज़ाइन शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास आ, मरून और गोल्डन के साथ थोड़ा सा ग्रीन टच का कॉम्बिनेशन है देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत सी नेक बनी हुई है ये हमारे पास एम्ब्रॉयडेड पट्टी थी ये देखिए छट्टे के साथ ये मरून कलर की पट्टी के ऊपर एम्ब्रॉयड्री बनी हुई है हमने इसको नेक पे ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमने इसको अटैच किया है राउंड नेक है देखिए राउंड नेक के साथ आ, हमने इस पट्टी को लगाया है ये तकरीबन ट्वेंटी इंच की लेंथ पे है ठीक है इस तरह से और बाहर की किनारी पे हमने ये गोल्डन लेस लगाई है और सेंटर में ये फाइव ग्रीन बटन्स लगाए हैं ग्रीन जो इस पर स्लीवस पे ये देखिए जो लेस है इसके साथ मैचिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है देखिए साइड पर बाजू पे दोनों साइड्स पे वही जो शर्ट पे गले पे लगी वो पट्टी है सेंटर में ग्रीन एक्स्ट्रा बड़ी खूबसूरत सी ये लेस बनी हुई है इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी ठीक है और ये जो मरून है ये हमारे पास एक कपड़ा था आ, आ, फैब्रिक था ये हमारे पास एक उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ था तो वो हमने कट करके इस तरह पट्टियाँ बनाई है देखिए फ्रंट घेर पर भी हमने जो दामन है उस पर भी डबल ऊपर नीचे करके तो सेंटर में ये हमने वो ग्रीन पट्टी लगाई है और स्लीट्स जो हैं फ्रंट स्लिट के ऊपर हमने लगाई है बैक पर नहीं लगाई है ठीक है बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है देख सकते हैं आप डिज़ाइन की ये थोड़ा देसी सा टच है मतलब इसके साथ खुले घेरदार शलवार है इसलिए शर्ट की लेंथ भी कम है और खुली घेरदार हमने इसके साथ मैचिंग में मरून में शलवार इसकी बनाई है ठीक है अगर आप इसका शर्ट का आ, स्क्रीन लेना चाहते हैं तो इस तरह ले सकते हैं ये इसकी स्लीव नेक और दामन ठीक है अब मैं आपको इसकी शलवार दिखाती हूँ ये देखिए खुली घेरदार इसकी शलवार है देखिए खुला पंचा बना हुआ है इसका ऊपर से इस पर टू साइडेड बेल्ट डली हुई है ये देखिए डबल साइडेड बेल्ट है मतलब तो दोनों साइड से यूज़ की जा सकती है ठीक है और ये इसके साथ ही हमने शेफ़ोन का मरून ही दुपट्टा इसके साथ मैचिंग की है जो हमारी नेक पे किनारी लगी हुई थी बाहर की तरफ हमने ऑल ओवर दुपट्टे पे वो लगाई है और सेंटर में उसके ये देखिए सिल्वर क्रिस्टल में जो नग होते हैं वो लगे हुए हैं ग्लू के साथ ठीक है नेक्स्ट हमारा जो है ये ब्लैक नेट का एम्ब्रॉयड सूट है ये देखिए आप पहले इसकी ये देख लीजिए फुल शर्ट पे इस तरह से एम्ब्रॉयड्री बनी हुई है दामन पे इस पर हमने कुछ भी नहीं लगाया जस्ट एम्ब्रॉयड्री है जो शर्ट की है ब्लॉक में ये ऊपर इसके एम्ब्रॉयड्री बनी है नेक हमने इस तरह से ये देखिए राउंड रखकर इसमें जो कलर्स हैं कढ़ाई हुई है उसके साथ हमने मैचिंग की है ये देखिए जो हमने डिज़ाइनिंग की है मैं आपको नज़दीक से ये दिखा रही हूँ डिज़ाइनिंग हमने किस तरह से की है लूप्स बनाई हैं अरे पट्टी की सिलाई करके उसकी ये लूप्स कट की हैं दरमियान में एक हमने ये नॉट लगाई है ये देखिए और इसको अंदर सिल दिया है गले के अंदर गुम करके और जो उसकी नेक लाइन थी वहाँ पर मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा एक 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 यूजलेस सब ब्रेसलेट था तो उसको यूज़ में लाते हुए मैंने इसकी नेक के ऊपर अटैच कर दिया है और ये काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है बड़ा ख़ूबसूरत एंटीक सा ये नेक डिज़ाइन हमारा बन गया है आप इस तरह से छोटी छोटी अपनी असेसरीज़ जो हैं वो यूज़ करके अपने जो ड्रेसिस हैं उनको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं ठीक है स्लीवस हमें अब आपको इसके दिखा देती हूँ अच्छा पहले आप इसका ये देख लीजिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्लीव्स पे भी हमने बिल्कुल वैसे ही अरे पट्टी के लूप्स बनाकर उसको आगे नोट लगाइए सेंटर में और फिर गुम पट्टी के साथ इनको स्लीव्स के आगे भी सिल दी है ठीक है <coughs> बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा ये डिज़ाइन बना ये किन आपको अच्छा लगेगा और चूँकि ये शर्ट काफ़ी लंबी थी तो इसके साथ मैंने ये चूड़ीदार पजामा बनाया बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह लॉन्ग शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा और अच्छा इसके साथ मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है दुपट्टों के एक ये ब्लैक और दूसरा ये टाई एंड आई है जो ब्लैक है इसके आप देखिए ऑल ओवर इस तरह से ये गोल्डन जो है वो मोती डल के तिले की इसके ऊपर पीको बनी हुई है ठीक है और जो ये टाई एंड आई दुपट्टा है ये डबल कलर में है और बिल्कुल प्लेन है इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लेस या पल्स वगैरह नहीं लगे हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस शर्ट के साथ चूड़ीदार पजामा है लॉन्ग शर्ट है तो इन दोनों दुपट्टों में से कौन सा दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला शॉकिंग और येलो या ब्लैक वाला ठीक है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये देख लीजिए इसकी ओवर लुक ये इसका घेर देखिए इस बॉर्डर के साथ बहुत अच्छा जा रहा है ओवरऑल ब्लैक अच्छा लगेगा या ब्लैक सूट के साथ ये कलरफुल्स का टाई एंड डाय दुपट्टा अच्छा लगेगा ठीक है मुझे ज़रूर बताइएगा हाँ जी तो नेक्स्ट हमारा जो ड्रेस है ये देख लीजिए आप ये भी नेट पे है बहुत ही खूबसूरत सा ये एक पीस है आ, दामन है ये देखिए इसका इसके ऊपर तिले और थ्रेड के साथ सिल्क थ्रेड के साथ बहुत ही खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर बना हुआ है ठीक है इसको ऑल ओवर मैंने ये मरून इसके अंदर जो कलर था वो काफ़ी उठ रहा था इसके ऊपर वो ये डोरी पाइपिंग की है डबल है ये लाइनिंग में और इस तरह पूरे में ये छट्टा बना हुआ है उसी एम्ब्रॉयड्री का और जो नेक थी ना उसके ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयड्री ऐसे जिस तरह मतलब नेक एम्ब्रॉयड्री बनी होती वो नहीं थी प्लेन था तो उसको हमने ज़रा सा खूबसूरत बनाने के लिए जो मगजी की ये देखिए ये सिल्क लगी हुई है ना शमोज सिल्क इसको बोलते हैं उसी की हमने डिज़ाइनिंग की है डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं सेंटर में ये देखिए हमने ये तकरीबन एक इंच की पट्टी काटी वो डबल पट्टी है ये दो हैं ये मतलब एक नहीं है उनके सेंटर में हमने इस तरह से ये ट्रायंगल इस नेट के ही बनाकर सीक्वेंस में लगा दिए हैं ठीक है नीचे तक ये तकरीबन टेन इंच है सेंटर की जो पट्टी है ये टेन इंच की है ठीक है और जो नीचे वाली है ये ट्वेल्व इंच तक आ जाती है बड़ा ये ना एक नॉर्मल सा एवरेज सा आ, है गले का इतनी लेंथ नॉर्मली इतना ही अगर डिज़ाइन हम करें तो वो बनता है ठीक है बाहर की जो पट्टी है वो ट्वेल्व इंच पे अंदर की टेन इंच पे है और स्लीव्स जो हैं इसकी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी नहीं दी ये प्लेन प्रिंटेड है मतलब एम्ब्रॉयडरी नहीं है प्रिंटेड है और फ्रंट पे इसके हमने ये लगा दी है इसी नेट की फ्रिल बनाकर अच्छा फ्रेंड्स अगर आपको ये फ्रिल लगाने का तरीका सीखना हो तो मेरे चैनल पर फ्रिल लगाने की एक पूरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो अगर आपको ये सीखनी हो सिंपल सी बड़ी ख़ूबसूरत सी लगती है स्लीव पे कैसे लगानी है तो वो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है अब इसके ट्राउज़र की बात कर लेते हैं ट्राउज़र जो है इसके साथ वो प्रिंटेड विस्कॉस में है इसलिए इसके ऊपर हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं बनाई और जो दुपट्टा है ये देख सकते हैं आप नेट ब्रोशिए का दुपट्टा है इसके साथ और उसको हमने ये डबल कलर में बेबी पी को करवा दिया ठीक है बेबी पी को या कुमकुम -कुम पी को इसको जो भी बोलते हैं वो हमने डबल कलर में करवाई क्योंकि इसका प्रिंट दुपट्टे का ऑलरेडी बहुत भरा भरा और ख़ूबसूरत सा है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया और दुपट्टा भी बहुत ही ये देखिए इस तरह से पकड़ने में बहुत सॉफ़्ट सा भी है और खड़ा खड़ा भी रहता है ऐसे गिरता नहीं है ब्रोशिया नेट है ये बहुत खूबसूरत सा ये दुपट्टा है ये देख सकते हैं आप इसका ओवरऑल पूरे ड्रेस में मुझे दुपट्टा सबसे ज़्यादा पसंद आया अच्छा जो नेक्स्ट हमारा ये ड्रेस है ये भी नेट में ही है इसका मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाती हूँ ये जो सेंटर में ये बना हुआ है ना ये जैसे एक कपड़ा होता है उसके एक साइड पे बॉर्डर होता है वो था इस तरह चौड़ाई में जो कपड़ा होता है ना उसके एक साइड पे ये बॉर्डर था इतना इतना तो इसको मैंने क्या किया है कि सेंटर में दो बॉर्डर इकट्ठे करके उनको सेंटर में इस तरह से स्टिच करके ये इस तरह से सेंटर जोड़ के इनका तो लेंथ में लाते हुए इनको नीचे जितनी शर्ट की लेंथ रखनी थी वो रख कर सेंटर में ये टेन इंच का एक कट दे दिया दामन में ये देखिए तो ये इस तरह से हमारी बहुत खूबसूरत सी ओपन शर्ट बन गई सेंटर में हैवी ये पॉल्स का डिज़ाइन बन गया और साइड जो हैं वो सिंपल ये देखिए ऊपर तक सेम इस तरह आ रहा है बोट नेक बनाई है और उसमें भी छोटा सा कट रख दिया ये देखिए तकरीबन वन वन पॉइंट फाइव इंच का ये कट है ठीक है बहुत ही इसके ऊपर ये पल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए इसके शर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं लगाया स्लीव भी इस तरह गुम फ्रंट से सिलाई की है कि धागे वग़ैरह इसके बाहर ना आए ठीक है थ्री क्वार्टर इसके स्लीव्स रखे हैं मैंने स्लीव ज़्यादा लंबे नहीं रखे और जो इसका बैग था है ना उसका ये जो डिज़ाइन है ये मैंने रखा है नीचे घेरे की तरफ ठीक है वो मैंने सेंटर में नहीं लाया क्योंकि बैक इस तरह से वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था वो अच्छा नहीं लगना था उसका जस्ट नीचे दामन पर जिस तरह बॉर्डर आता है ये ये देखिए ये मैंने दे दिया ऊपर से प्लेन है जस्ट पर्ल्स का अंदर छट्टा आ रहा है छोटा छोटा जो भरा हुआ बॉर्डर है वो नीचे दामन पर चला गया बहुत ही खूबसूरत टेक्निक के साथ मैंने इसे डिज़ाइन किया है ये देखिए जो ट्राउज़र है इसके साथ ये भी प्लेन बिस्कॉस में है विस्कॉस कपड़ा भी आजकल बहुत चल रहा है बहुत अच्छा है अच्छा अब अच्छा 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 इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हमने की है ये नेट जो है ना इसकी मैंने पटियाँ सिलाई की हैं और इसके अंदर ये जो शॉकिंग कलर है वो ज़रा पर्ल्स के अंदर ज़्यादा आ रहा है और इस कलर के साथ स्काई ब्लू के साथ बहुत अच्छा जा रहा है तो मैंने ये जो दूसरी पट्टियाँ बनाई हैं ये स्काई ब्लू में सॉरी शॉकिंग में बनाई हैं स्काई ब्लू इसका कलर है शॉकिंग कलर में मैंने साथ में मैचिंग की है इस पर क्योंकि ये एक सिंगल कलर था तो इसके साथ ट्राउज़र पर डिजाइनिंग के लिए मैंने ये मैचिंग कर ली है देख सकते हैं आप ये मैंने नीचे इस पर गुम ये सिल दी हैं स्केयर बॉक्स से बना के उसके ऊपर ये तीन पिनटेक्स हैं उसके ऊपर फिर से वही जो गुम सिलाई करके मैंने इनको बना दिया है स्केयर बॉक्सेस जो बनाए हैं उसके ऊपर फिर से तीन पिनटेक्स हैं ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन की मैं आपको आगे जाकर इसकी पूरी स्टिचिंग डिटेल भी बता देती हूँ ठीक है पहले हम अपने बाकी ड्रेसिस की जो है वो डिज़ाइनिंग की डिटेल्स वो देख लें उसके बाद इसकी मैं दिखाती हूँ अच्छा अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ ये देखिए बहुत एलिगेंट और बहुत खूबसूरत इस ड्रेस का भी दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया सिंपल छट्टा है इसमें जस्ट पल्स का और ऑल ओवर फोर साइड पर इसके मैंने ये लाइट गोल्डन कलर में किनारी लगा दी ठीक है शॉकिंग के बाद गोल्डन कलर के इसमें पल ज़्यादा मुझे फील हो रहे थे तो मैंने वो किनारी लगाई और आप यकीन जानिए रियल में ये दुपट्टा इतना खूबसूरत लगा है ये लगने के बाद के पूरे ड्रेस के इस दुपट्टे की वजह से लुक ही चेंज हो गई बहुत प्यारा और बहुत डिसेंट सी लुक आई इस दुपट्टे के साथ ठीक है मेरा तो ये दुपट्टा बड़ा फेवरेट हो गया अच्छा फ्रेंड नेक्स्ट ये जो ड्रेस है मेरे पास ये है कॉटन खदर में है बहुत हवादार सा ये आ, फैब्रिक है अच्छा इसके नेक पे ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी सिल्क और तिल्ले के थ्रेड के साथ ठीक है और ये जो आपको ऊपर पर्ल नज़र आ रहे हैं ना ये पहले से नहीं थे ये मैंने इस ऊपर इसको ज़रा सा और जो है ख़ूबसूरत सा टच देने के लिए ना जो पिंक पिंक फ्लावर्स थे उन सब में मैंने ये ऊपर से ऑफ वाइट से पर्ल हैं वो लगा दिए ठीक है ठीके? ऑफ वाइट हाफ पल जो होते हैं वो और जो स्लीव्स हैं इसके वो बिल्कुल बेल टू स्ट्रेट हैं सिंपल इसमें मज़ीद जो मैंने डिजाइनिंग की आपको फ़िलहाल महसूस ही नहीं हो रही होगी है ना अब मैं आपको बताती हूँ ये जो पट्टियाँ बनी नज़र आ रही ना आपको ये ये एक्स्ट्रा बॉर्डर साइड पर दिया हुआ था इसके दिखाती हूँ मैं आपको एक ये जो है ये जो आपको बेल नज़र आ रही है ये इसके ऊपर बनी नहीं हुई ये अलीहदा से पट्टी थी ये देखिए इस तरह से मैंने ये इसके फैब्रिक के ऊपर स्टिच की है चौक से थ्री इंच नीचे तक ये देखिए ये थ्री इंच नीचे तक लाकर इसको साइड्स पे टर्न कर दिया है बिल्कुल नीचे तक ये कलियां नहीं बनाई मैंने साइड्स पे इनको टर्न कर दिया है ये हमने इस तरह ले जाते हुए इनको साइड पे टर्न कर दिया है ठीक है नेक्स्ट जो हमने पट्टी लगाई है वो अब आप देख लीजिए किस तरह लगी है ये वाली ऑफ वाइट आ, अच्छा ये जो पट्टी है इनमें तकरीबन हमने डेढ़ इंच का गैप रखा है दोनों पट्टियों के दरम्यान में ठीक है ये आ, उप, जो सेंटर की पट्टी है ये ऊपर शोल्डर से शुरू हो रही है ये देखिए यहाँ से और ये जो ऑफ वाइट पट्टी है ये आर्म होल के नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इन दोनों के सेंटर में डेढ़ इंच का तकरीबन गैप है अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि हम लेंथ में इस तरह पटियाँ लगाएं तो इसका क्या फ़ायदा इससे आपकी जो लुक है वो थोड़ी स्मार्ट आती है ठीक है इस रुख़ में आप लगाएंगे तो ये ज़रा हेल्दी लगेंगे आप लेकिन आप शर्ट की लेंथ में अगर पट्टियाँ इस तरह से कलियों की स्टाइल में लगाएंगे तो इससे आपकी जो लुक है वो स्मार्ट आएगी क्योंकि इस तरह जो शर्ट है वो डिवाइड हो जाती है एक या दो या तीन पार्ट में जितनी हम अपनी मगजी, ये सॉरी ये पटियाँ लगाएंगे उस हिसाब से तो वो डिवीजन की वजह से आपकी जो लेंथ है वो कम सॉरी आपका जो हेल्दी हो आप तो वो स्मार्ट नजर आओगे अच्छा ये देखिए आप दूसरी पट्टी जो हमारी है वो इस तरह से आ, हमने चौक के साथ फोल्ड नहीं की बल्कि उसको नीचे से इस तरह बॉक्स बना दिए ये इसलिए बहुत इनहैस हो रही है थोड़ी क्योंकि नीचे का जो कलर है वो प्लेन है नीचे बॉर्डर नहीं है कोई ठीक है आप देख सकते हैं ये पट्टी बहुत ही ख़ूबसूरती से ऑफ वाइट पट्टी जो है बहुत ही ख़ूबसूरत लग रही है ये देख लीजिए इसका लुक बहुत ख़ूबसूरत ये डिज़ाइनिंग बनी है ट्राउज़र देख लें आप अब, अब इसका ट्राउज़र इसके साथ हमने प्लाज़ो बनाया है प्लाज़ो के ऊपर हमने सिल्क थ्रेड के डोरे डाले हैं जो इसके ऊपर ये बनी हुई है इसको छापा बोलते हैं या जो भी ये इस कलर में हमने ऊपर ये देखिए आप सिल्क थ्रेड के साथ डोरे डाल दिए हैं फुल ट्राउज़र की लेंथ में ट्राउज़र जो हमने खुला रखा है इसके साथ प्लाजो प्ला इसका जो पैंचर है वो तकरीबन 12 इंच है ठीक है ये देखिए अब मैं इस तरह आपको दिखाती हूँ फुल लेंथ में मैंने ऊपर तक इसमें ये डोरे डाल दिए हैं ठीक है और इससे भी आपकी लुक जो है वो बहुत स्मार्ट आएगी बहुत अच्छा लगेगा हेल्दी लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होता है कि आप अपनी लेंथ के रुख जो है वो अपना बनाए अब इस पे ये देखिए जो गले पे मैंने पर्स लगाए थे वो मैंने इस ट्राउज़र पे भी जो लगाई हैं थ्रेड के साथ डिज़ाइन बनाया है ट्राउज़र के ऊपर इसके ऊपर मैंने ये पर्स लगा दिए हैं तकरीबन फ़ाइव इंच के डिस्टेंस पे इस तरह क्रिस क्रॉस में लगाए हैं ठीक है और ये कहाँ तक लगाया है? मैंने ये ट्राउज़र की तकरीबन पेंचे से यहाँ तक ट्वेंटी इंच लेंथ है यहाँ तक लगाया फुल ऊपर तक मैंने नहीं लगाया ठीक है क्योंकि ऊपर शर्ट आ जाती है तो वो इतना नज़र नहीं आते और इंसान कंफर्टेबल भी नहीं रहता इनके साथ तो इसलिए मैंने ये जस्ट यहाँ तक ट्वेंटी इंच ट्राउज़र के पेंचे से ऊपर तक ट्वेंटी इंच की लेंथ तक मैंने ये लगाए हैं ठीक है डोरे फुल ऊपर तक डालें लेकिन जो पर्ल्स हैं वो ट्वेंटी इंच की लेंथ तक लगाएँ अच्छा अब इसका ये आप दुपट्टा देख लीजिए कॉटन खदर में ही है साथ में बहुत ही खूबसूरत है इसका ये ब्लॉक प्रिंट है सेंटर में ब्लॉक प्रिंट है और साइड ये देखिए दोनों जो किनारियाँ हैं उनके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सी बेल बनी हुई है ऑल ओवर इसका यही प्रिंट है पूल फुल दुपट्टे का बहुत खूबसूरत सा ये भी दुपट्टा है ये देख लीजिए आप आ, मैं आपको इसके अब आ, लास्ट ओवर आव, लुक दिखा देती हूँ अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है मतलब इस तरह पट्टियाँ लगाने का अगर आपको आपके ड्रेस के साथ भी एक्स्ट्रा पटियाँ हैं तो उनका लगाने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे वो उनको डिज़ाइन किया जाए तो आप ये डिज़ाइन भी पिक कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्योर लॉन में डिजिटल प्रिंट के साथ और सिल्क थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी का ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बना हुआ है ये देखिए फ्रंट पे इसके सेंटर में काफ़ी बड़ा सा पैच बना हुआ है एम्ब्रॉयडरी का लेकिन जो नेक है वो प्लेन थी उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं थी जैसे ये लाइनिंग में आ रही थी तो इसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है मैं अब आपको दिखाती हूँ जो नेक है बोट नेक में हमने कटवर्क रखा है ये देखिए और ये फ्रंट पे नहीं है जस्ट बैक पर भी है मतलब बैक और फ्रंट दोनों नेक पर हमने बोट नेक पर इस तरह से ये कट वर्क किया है आजकल इस कट वर्क का भी बहुत फैशन इन है बहुत अच्छी लगती हैं ये कटवर्क बनी चाहे आप दामन पर बनाएं ट्राउज़र पर बनाएं स्लीव्स पर बनाएं नेक पर बनाएं मैंने अभी सब पे ही बनाया है मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ सेंटर में हमने क्या किया है कट लगा कर इसकी मगजी कर दी है जो इसमें एम्ब्रॉयडरी है उसमें से एक कलर लेकर और ऊपर एक इंच का कट रख कर ये बहुत ही खूबसूरत सा लटकन लगा दिया है ये स्ट्रॉ पर्ल और राउंड पर्ल गोल्डन और ब्लैक पर्ल का बहुत ही खूबसूरत सा ये लटकन बना हुआ है आपको ये इजीली एटी टू हंड्रेड एटी रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ में ये इजीली आपको आ, लेसिस वाली शॉप से मिल जाएगा स्लीव्स भी अब आप देख लीजिए इस पर हमने ब्लैक पल्टे के साथ कटवर्क किया है स्ट्रेट स्लीव्स हैं बिल्कुल और स्लिट्स जो हैं इनके ऊपर हमने वही जो नेक के ऊपर लगाई थी मगजी वही हमने ये देखिए सेम वही यहाँ पर लगाई है शमोज़ की मगजी ठीक है नीचे ये देखिए बहुत ही ख़ूबसूरत सा डिजिटल प्रिंट है बैक पे भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है और प्रिंट इसका बहुत अच्छा है ये देखिए वही हमने बैक जो दामन है ना वहाँ पर भी वही जो स्लिट्स पर लगाई हुई है डोरी मगजी वही लगाई लेकिन फ्रंट दामन पर हमने बाजुओं की तरह ब्लैक पल्टा लगाते हुए कट वर्क किया है ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये बहुत इन है इसका ये डिज़ाइन और अब हमारा ट्राउज़र देख लीजिए प्लेन ब्लैक ट्राउज़र है बेल शेप ट्राउज़र रखा है हमने ये देखिए नी के पास से हमने इसको फिटिंग दी है और नीचे जो इसका पेंच है ये थोड़ा बेल शेप में आ रहा है ये तकरीबन टेन टू एलेवन इंच होगा उसके ऊपर भी हमने ऐसे कटवर्क किया है ठीक है बहुत खूबसूरत लगता है आप ये पैंचा बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब आप मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ ये देखिए जो हमने कट वर्क किया है इसके ऊपर डबल स्टिचिंग के साथ की है जो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है इसके साथ ये ठीक है दुपट्टा जो है इसका आप देख सकते हैं प्योर शफून में है इसके साथ और बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है चूँकि ड्रेस काफ़ी डार्क कलर में है ब्लैक तो उसके साथ ये लाइट सा दुपट्टा बड़ा खूबसूरत जा रहा है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसको ऑल ओवर फोर साइड्स पे मैंने इस तरह ब्लैक मोती डलवा कर ब्लैक सिल्क के थ्रेड के साथ ही इसको पीको करवा दिया है ठीक है काफ़ी अच्छा लग रहा है ये काफ़ी ख़ूबसूरत सी इसकी आ, मैचिंग हो गई है ठीक है अब मैं आपको इसके तीनों की ओवर लुक दिखा देती हूँ ये हमारी शर्ट ठीक है इसको मैं मतलब एक दफ़ा पूरे ड्रेस को सेट करके रख देती हूँ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर ले लीजिएगा ये हमारी नेक है ठीक है प्लीज और ये ट्राउज़र ठीक है ये लीजिए मैंने इसको सीधा करके रख दिया है अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं डिज़ाइन का तो अब आपको पता चल गया किस तरह कटवर बनाया मतलब दामन पर भी इसी तरह तो हमारा ये लॉन में चुनरी का डिज़ाइन है बहुत ही ख़ूबसूरत सा चुनरी प्रिंट का मरून और शॉकिंग की मैचिंग के साथ बहुत ही ख़ूबसूरत सा हमारा ये ड्रेस है इस पर हमने क्या किया है ऑल ओवर प्रिंट था तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए ये हमने शोल्डर से नीचे तक ये uh, कलियाँ बनाई हैं इसकी और इनमें ये सीढ़ी लेस वाइट लगा दी है जस्ट कलियों में लगाई है नीचे जो बॉर्डर अटैच किया है वो जस्ट आ, ऐसे ही अटैच किया है मतलब उसमें हमने अटैच करने के लिए सेंटर लेस या सी लेस जो भी है इसको नहीं लगाया आ, लेकिन जो आ, हमारी स्लीव्स हैं उसका जो बॉर्डर अटैच किया है वो हमने इसके साथ किया है और फ्रंट पे ये पल्स की डोरी मगजी की लेस थी वो लगा दी है ये देखिए बहुत खूबसूरत लुक आ रही इससे बाज़ुओं की और जो हमारी नेक है वो आप देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत सी राउंड नेक है बोट राउंड है थोड़ी सी और जो हमारे पास ये शर्ट का सॉरी इसके ट्राउज़र का पीस था उसकी हमने ये एक, -एक इंच की पटियाँ हैं और टेन इंच ये लेंथ में है इनको लगाया है साइडों पे सेंटर में डेढ़ इंच का डिस्टेंस रखा है और ऊपर ये जिक जैग सिल्वर डोरी है वो लगाई है सेंटर में आ, रेब सिल्वर ही डोरी की जो है वो मगजी लूप्स बनाकर कट करके इसको क्रॉस में लगाया है और उनके सेंटर में, में मेरे पास ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत सी लेस थी उसमें से फ्लावर कट करके वो लगाए हैं मैंने ठीक है बहुत ही ख़ूबसूरत और एलिगेंट सी ये नेक बनी है ये कैजुअल सा ड्रेस है आप इसको घर में आम भी पहन सकते हैं डेली बेसिस पे भी इस ड्रेस को पहना जा सकता है बहुत हैवी नहीं है ये डिज़ाइन और बहुत ही ख़ूबसूरत भी लगता है आम पहना हुआ और साथ इसके ये शलवार थी ये देखिए खुले घेर की हमने इसके साथ ये शलवार बनाई है बेल्ट वाली डबल साइडेड इसकी बेल्ट है और ये क्योंकि कलर दोनों बहुत डार्क थे मरून और शॉकिंग तो उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए जो दुपट्टा है मैंने वो इसके साथ व्हाइट मैचिंग की है ये मैंने टू पीस सूट था तो दुपट्टा मैंने इसके साथ खुद से मैचिंग की है और आई होप आपको भी ये डिज़ाइनिंग या मैचिंग जो भी है आपको भी पसंद आएगी क्योंकि लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है तो आपको इसका भी स्क्रीन लेना है तो ये लीजिए मैंने स्लीव भी इसकी सीधी कर दी आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है ठीके? बहुत ही खूबसूरत सा ये चुनरी का डिज़ाइन है लॉन् के ऊपर है तो आप इन, इसको समर में इजीली वेयर कर सकते हैं चुनरी के डिज़ाइन को आज दफ़ा मैं आप आपको इसका ये ना नज़दीक से दिखा देती हूँ इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं नेक का बहुत खूबसूरत सा ये नेक का डिज़ाइन है डेली बेसिस पे जो आप घर में ड्रेसेस पहनने के लिए सिलवाती हैं उनके ऊपर ये आप इजीली नेक डिज़ाइन बनवा सकती हैं पहना हुआ अच्छा भी लगेगा अच्छा नेक्स्ट जो हमारा ये डिज़ाइन है आप देख सकती है समर का बहुत ही खूबसूरत सा ये खिला खिला सा प्रिंट है गोल्डन सा ठंडा मीठा सा ये प्रिंट है हमारा फ्लावर का और नेट नेक जो है हमारी इसकी राउंड नेक बनी हुई है ठीक है और उसके ऊपर हमने क्या किया है ये मिरर लेस है वैसे ही जैसे इसमें मल्टी फ्लावर्स बने हुए हैं उनके साथ मैचिंग करते हुए लगाई है ठीक है ऊपर इसके डेढ़ इंच का कट रखा है सेंटर में इसकी जो लेंथ है अंदर वाली पट्टी की ये भी टेन इंच है ठीक है और जो बाहर की ये किनारी है इसकी इससे डेढ़ इंच तकरीबन ज़्यादा है अच्छा ये एक लेस नहीं है ये डबल है वो जैसे वो गोटा पट्टी एक होती है ना वो है पहले गोल्डन बारीक सी ये देख सकते हैं आपको शायद महसूस हो रहा हो डबल है वो लगाई है फिर उसके बाहर ये हमने एक आ, किनारी सी बनी हुई है लेस मल्टी कलर में नज़दीक से मैं अब आपको दिखाती हूँ ये देखिए वो लगाई है पहले सेंटर में मिरर लेस फिर आधे इंच का डिस्टेंस दे के वो बारी गोटा पट्टी और उसके बिल्कुल साथ ही रखकर हमने वो दूसरी बाहर की तरफ को बनी हुई लेस लगाई है स्लीव्स के इसका डिज़ाइन देख लीजिए ये हमने इसके साथ और मैच की है जो इसमें फ्लावर्स का कलर है वही उस कलर में और लेके हमने इसको क्या किया पहले इसकी ये हाफ हाफ इंच की पट्टियाँ इस तरह स... लंबाई के रुख सिल दी हैं फिर उनको एक को इस तरफ दूसरी को इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए सेंटर में ये होल्स वाला डिज़ाइन बन गया समर के लिए बड़ा अच्छा है आ, हवा लगती रहेगी गर्मी नहीं लगेगी इस डिज़ाइन में ठीक है स्लीव के जो फ्रंट पे हमने वही अरगनजा का पलटा लगा दिया फिनिशिंग के लिए आ, अच्छा ये जो अरगनजा होते नहीं देखिए ये किनारी जो होती है अक्सर आती है ना चुभती है बहुत ज़्यादा कुछ लोग इसको बहुत चुभती है उन्हें तो उसको हमने फिनिशिंग जो लुक दी है वो ये सिल्क का रिबन था मेरे पास ये देखिए इसको हमने उसकी किनारे के ऊपर रख कर उसको गुम सिल दिया अब वो बाहर नहीं है तो इसलिए ये पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है और चुभेगा भी नहीं ठीक है बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन है और जो इसका दामन है चूँकि इसका नेक और स्लीव्स काफ़ी हैवी हो गए थे इसलिए दामन पे हमने जस्ट पलटा या फैशन पट्टी जो भी कहते हैं वो लगाई है आ, ये देखिए स्लीट्स पर भी और दामन पर भी वही हमने और गंजा की पलटा कर दिया है अच्छा ये जो पलटा लगाते हैं या मगजी डोरी वाली जो लगाते हैं इससे ना जो हमारा शर्ट का दामन है उसको एक बहुत ही फिनिशिंग लुक मिलती है ये देख लीजिए हम सीधा करके रख देते हैं आपके लिए बाजू आप देख लीजिए इसको इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं आ, मजीद मैं पहले अब आपको इसका ट्राउज़र दिखा दूँ ठीक है वो देख लीजिए ट्राउज़र का भी बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है मैंने इसके ऊपर ये पिनटेक्स के बॉक्स बनाए हैं वही कपड़ा जो शर्ट के ऊपर और गंजा का हमने लगाया है वही लगाया है इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से पिनटेक्स डालकर उसको पहले इस रुख डाली फिर इस रुख और इनके बॉक्स बन गए अच्छा ये ये देखिए ये डबल है लेकिन मैंने ये जो पिनटेक्स बनाई ये सिंगल पीस लेकर इसके ऊपर पिनटेक्स का बॉक्स बना के उसके बाद ये जो नीचे का कटवर्क बनाया है उसमें हमने ये दूसरा कपड़ा अटैच किया है ताकि इसकी फिनिशिंग लुक अच्छी आए धागे बाही नहीं निकले उसके बाद इसको मैंने यहाँ से ट्राउज़र के साथ गुम सिल दिया है पेंट ट्राउज़र सा ये बना है बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए ये डिज़ाइन बना हुआ है और अच्छा अगर आपको ये पिंटेक्स किस इस तरह बॉक्स बनाना सीखने हैं तो इसकी भी मेरे चैनल पर एक और वीडियो है उसमें जस्ट मैंने बॉक्स बनाना नहीं सिखाया बहुत ही खूबसूरत से थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी करना भी इसके ऊपर सिखाई है बहुत खूबसूरत वो डिज़ाइन है ये जो इस तरह ये इसके पिंटेक्स इस तरह आग... आड़े रुख मिल रही हैं इसके ऊपर वो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप उस वहाँ से देख लीजिएगा वो भी बहुत ही खूबसूरत सा शलवार के पेंचों का डिज़ाइन है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको वो भी पसंद आएगा ठीक है ये भी देख लीजिए इसमें अच्छा आप यहाँ पर जो कॉर्नर इनके पिंटक्स के मिल रहे हैं यहाँ पे आप पर्ल्स वगैरह भी कोई लगा सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है मैं अब इसको एक दफ़ा Uh, सारे डिज़ाइन को एक साथ सीधा करके रख देती हूँ ठीक है तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा इस सूट का वैसे तो ये लोकल टू पीस सूट है लेकिन इसका मुझे ये जो प्रिंट था ना बहुत ही समर्स के लिए इस तरह के फ्लावर्स वाले जो प्रिंट होते हैं ना ये आपको बड़ी ठंडक सी देते हैं बड़े आपकी आंखों को ठंडक महसूस कराते हैं तो मुझे ये इसका जो प्रिंट था ना बेसिकली बहुत पसंद आया अच्छा फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं आपके साथ जो मैंने आपको स्काई ब्लू ट्राउज़र दिखाया था ना जिसके ऊपर हमने ये नेट और शमोज़ के स्क्वेयर पीसीज लगा के डिज़ाइन बनाया था उसके मैं अब आपके साथ स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ उसके लिए हमने ये दोनों पट्टियाँ इनको स्टिच करके सीधा करके प्रेस कर लिए तकरीबन पौना इंच चौड़ी पट्टी है ठीक है आ, हमने इसमें शॉकिंग कलर मैचिंग में लिया है साथ में और एक नेट वो जो शर्ट की थी वही ली है इस तरह हमने इनको तकरीबन 2.5 इंच पीसीस हमने इसके कट कर लिए 2.5 इंच का पीस इस तरह इसको हम डबल करके तो इसको डिज़ाइन में लगाएंगे ठीक है और ये दूसरा कलर जो है इसका भी हम सेम 2.5 इंच के ही पीसीस कट कर लेंगे फ्रेंड्स uh, इसके फोर स्टेप्स हैं डिज़ाइन के फ़र्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टेप बाई स्टेप हम इस डिज़ाइन की स्टिचिंग देखेंगे सबसे पहले हमने जो फोल्डिंग करनी थी ट्राउज़र की मैं इसकी फोल्डिंग साथ ही कर रही हूँ उसका मैंने प्रेस के साथ निशान बना लिया और इस तरह उस फोल्डिंग के साथ साथ अपनी जो मैंने पटियाँ कट की थी स्क्यर पीसीस जो थे उनको एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से मैं सुई की मदद से इनको मैं सेट कर रही हूँ क्योंकि ये हिल अगर आगे पीछे हों तो वो अच्छे नहीं लगेंगे नीटनेस नहीं आएगी डिज़ाइनिंग में तो जो इस किस्म के डिज़ाइन्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा नीटनेस से जो किए डिज़ाइन बनाए हुए होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अगर नीट ना हो बिल्कुल भी जो इनकी स्टिचिंग है वो नीट और क्लीन ना हो तो ये डिज़ाइन अच्छे नहीं लगते ठीक है तो ये ख़ास ख़्याल रखना है कि बहुत ही सफाई के साथ हमें इसे बनाएं। ये देखिए इस तरह हमने एक एक स्क्वायर पीस का गैप देते हुए वन बाय वन जो है इनको स्टिच करते जाना है मतलब एक नेट का दूसरा ये शमोज़ का नेट का शमोज का ठीक है ये देखिए ये अब हमारी लग गए हैं अब हमने इनको गुम स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ ये देखिए इसके जो हमने वो प्रेस की मदद से निशान बनाया था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और जिस तरफ हमारी स्टिच स्टिचिंग जो लगी हुई है स्टिच किया हुआ है हमने उसके ऊपर ही हमने दोबारा से स्टिच कर देना है ठीक है ये देखिए इस तरह से रखते हुए जो हमारा प्रेस का निशान है वहाँ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे स्क्वेयर पीसीज जा अंदर की तरफ है और हाँ फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना भूल गई जो हमने जो स्क्यर पीसीज रख के स्टिच किए हैं वो हमारे ट्राउज़र की जो राइट right साइड है ना उस साइड पर रख के हमने स्टिच करना है ताकि ये जो हमारी गुम सिलाई है ये ट्राउज़र की रॉन्ग साइड पर आए अंदर की तरफ चली जाए ठीक है ये हमने स्टिचिंग के ऊपर ही दोबारा स्टिचिंग कर ली है ताकि वो हमारे जो कॉर्नर थे वो इस तरह से अंदर गुम हो जाएंगे ठीक है अब हम इसको प्रेस के साथ सेट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको प्रेस के साथ सेट कर लिया है नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको डबल फोल्ड कर दिया है अब इस डबल फोल्ड के ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे ये देखिए इस तरह से हाँ जी तो हमने अपने जो पंचे की फोल्डिंग है वो लगा ली है अब हमारे स्टेप टू की बारी है हमने इस पर जो पिनटेक्स बनानी है उसके लिए देखिए मैंने प्रेस के साथ निशान बना लिए है ठीक है अच्छा जो पहली पिनटेक्स बनाते हैं ना उसके वो थोड़ी मुश्किल होती है बिना प्रेस के अगर हम बनाएं तो इसलिए वो हमने जितने डिस्टेंस पे बनानी है हम प्रेस की मदद से पूरा उस पर एक निशान बना लेंगे और ज़ीरो पॉइंट टू पर हम अपनी पहली पिनटेक्स जो है वो बनाएंगे मतलब जस्ट ऐसे डबल फोल्ड रख कर एक सिलाई लगा देंगे ठीक है ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से बस थोड़ा सा मार्जिन कपड़े का रखते हुए हम इस तरह से अपनी पहली पिनटेक्स बना लेंगे ठीक है ये देखिए पहला प्लेट बन गया है अब दूसरा जो हमने एक उंगली के डिस्टेंस पे हमने बनाना है इसको अब हम प्रेस के साथ नहीं तैयार करेंगे जस्ट ऐसे ही पकड़कर हम एक फिंगर का डिस्टेंस देते हुए दूसरा पिंटेक्स बनाते जाएंगे जो बिगनर्स हैं उनके लिए इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है बिना साइज़ के बनाने के तो वो उनके लिए बेटर है कि वो इस तरह प्रेस के साथ इसको बिठाते जाएं और जस्ट पकड़ कर उसके ऊपर इस तरह से स्टिच लगाते जाएं उनके लिए ज़्यादा इजी होगा जो थोड़ा बहुत स्टिचिंग को जानते हैं कर लेते हैं उनके लिए ये तरीका ज़्यादा इजी है ये देखिए हमारे दो पिंटेक्स रेडी हो गए हैं बिल्कुल सेम यही मेथड यूज़ करते हुए हम तीसरा पिंटेक्स भी बना लेंगे ठीक है ये देखिए इस तरह से वन फिंगर डिस्टेंस देते हुए अपना तीसरा प्लेट जो है वो भी रेडी कर लेंगे हाँ जी फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारे सेकंड स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो गया है हमने तीनों पिनटेक्स अपनी रेडी कर ली हैं इनको अब नीचे की तरफ इस तरह प्रेस के साथ सेट कर लेंगे उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा ये वाला डिज़ाइन फिर बनाएंगे थर्ड स्टेप हमारा ये है यहाँ पर हमने ये देखिए प्रेस के साथ निशान बना लिया फिर से जहाँ पे हमें वो अपने जो स्क्वायर पीसीज हैं वो लगाने हैं ये देखें मैं आपको साइज़ करके दिखाती हूँ फुल नीचे तक ही हमने फ़ाइव इंच के डिस्टेंस पे रखा है ठीक है और पिनटेक्स से आप देख सकते हैं ये तकरीबन सवा दो से ढाई के दरमियान है आप ये जो डिस्टेंस है कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से ठीक है अब मैं आगे से पैंचे की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फ़िटिंग का अपना पहला जो मेरा ब्लॉक है वो मैं रख कर इसको एक पैर की सिलाई देते हुए इसको स्टिच कर लूँगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला बनाया था वन बाय वन मतलब एक नेट का पीस दूसरा हमारा शमोज़ का जो शॉकिंग कलर में है वो रखते हुए सेंटर में एक ए, ये उसके पीस का डिस्टेंस देते हुए हम इस तरह से लगाते जाएंगे एक पैर की सिलाई का डिस्टेंस रखकर अच्छा फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर पीसेस मैं लगा रही हूँ इनमें मैं मतलब एक पीस के बाद दूसरे पीस में जो डिस्टेंस है वो इन्हीं के इक्वल है आप ये डिस्टेंस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इससे कम जो है मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं लगेगा हाँ ज़्यादा जो है वो अपने हिसाब से आप कर लें तो वो ठीक है ये एक एवरेज डिस्टेंस है ठीक है ये देखिए इस तरह से हम इनको सेट करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स ये जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है ना आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं मैंने जो डिस्टेंस रखा है जितनी मतलब ये तकरीबन पौना इंच की ये पट्टी की चौड़ाई है इतना ही पौना इंच का ही एक से दूसरी पट्टी के दरमियान में मैंने फ़ासला रखा है आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं ठीक है वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है हाँ जी तो अब ये देखिए हमारी ये पट्टियाँ लग गई हैं सारी अब हम इसको फिनिशिंग लाइन देंगे कि इनको गुम सिलाई में अंदर में लगाएंगे ताकि जो इनके लास्ट कॉर्नर है वहाँ से धागे नहीं निकले ठीक है उसके लिए सेम हमें वही पहले वाला मेथड यूज़ करते हुए इसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई के ऊपर ही दोबारा अपनी दूसरी सिलाई लगानी है कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए वैसे ही जैसे हमने वो आ, रा, राइट साइड पर रख कर वो बनाए लगाई थी फर्स्ट टाइम में जैसे वैसे ही इनको भी ट्राउज़र की राइट साइड पर लगाना है ताकि ये जो हम गुम सिलाई लगा रहे हैं ये अपना ट्राउज़र की रॉन्ग साइड पे चली जाए इस तरह से ये देखिए अंदर से ये बाहर की तरफ आ रही हैं अब हम इसको पूरी को इस तरह से सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए इसको अब हमने गुम सिलाई के साथ रेडी कर लिया है नेक्स्ट हमने इसके ऊपर ये ये देखिए हम तकरीबन डेढ़ इंच के ऊपर दोबारा से अपनी ये पिनटेक्स बनाएंगे ठीक है उसके लिए वैसे ही पहले की तरह मैंने प्रेस के साथ पहली पिनटेक्स के ऊपर जो है वो निशान बना लिया है और नेक्स्ट जो है वो ऐसे बना लूँगी जो बिगनर्स हैं फ्रेंड्स उनके लिए इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है कि मतलब आ, अपना निशान लगाए बगैर तो उनके लिए इजी यही है कि इस तरह एक प्रिंटेक्स बनाया उसके बाद नेक्स्ट का प्रेस के साथ फिर निशान बना लें फिर बनाएं तो वो बहुत नीटनेस के साथ बनेगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि किसी बिगनर ने बनाया है ऐसे बिल्कुल वो एक परफेक्ट जो है वो आपका डिज़ाइन बनेगा ठीक है इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप बहुत ही खूबसूरती से अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं ठीक है ये देखिए अब हम हमारे सेकेंड पिनटेस की बारी है इस तरह ये देखिए एक फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो ये काम मुश्किल नहीं है वही जैसे मैंने पहले बात की कि बिगनर्स को ये मुश्किल लगेगा इस तरह से उनसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो वो जैसे मैंने अब ये पकड़ा हुआ है इस तरह से इसको ऊपर पकड़ो और फिर इसको प्रेस के साथ निशान बना लो उसके बाद आप अपना पिनटेक्स बना लो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा ठीक है हाँ जी तो हमारा फोर स्टेप भी कंप्लीट हो गया है ये देखिए हमने तीनों पिनटेक्स डाल ली हैं देख सकते हैं आप नीचे से इसको ये देखिए गुम है इसको भी यहाँ पे मैं हैंड स्टिच कर दूँगी ताकि ये ऊपर की तरफ उठे नहीं यहाँ से ठीक है सारा यहाँ पर और इनका रुख इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा तो वो सही रह जाएगा अब मैं इसकी आपको आ, ट्राउज़र की फ़िटिंग की सिलाई लगाकर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी तो ये देखिए फ्रेंड्स ये रही हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक हमने इसकी फ़िटिंग की स्टिचिंग कर ली है ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है यकीन आपको अच्छा लगेगा अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इजीली मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है अच्छे से आपको ठीक है सारा सकते हैं पे है, इन ड्रेसेस पर जो मैंने डिज़ाइन वगैरह बनाए हैं फॉर्मल भी हैं इनमें कुछ सेमी फॉर्मल है कुछ कैजुअल हैं तीनों कैटेगरी के मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं तो आप इनमें से कोई डिज़ाइन अपने लिए पसंद करके बना सकते हैं तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं में याद रखिए खुश रहिए आस पास खुशियाँ फैलाइए और अल्लाह हाफिज़ एंड इन्जॉय दीज बी पिक्चर्स सी यू सोन